hello and welcome you all to lungsuk lungsuk because every breath matters and myself dr ankush consultant pulmonologist and from today onwards we are starting a brand new series on pleural effusion now what is pleural effusion pleural effusion in very simple terms pleural effusion is just collection of fluid इन प्ल्यूरल कैविटी प्लूरल कैविटी इज अ स्पेस विच इज आउटसाइड द लंग्स इट इज अ लाइनिंग विच इज लाइन आउटसाइड द लंग्स अ वेरी कॉमन मिथ विच प्रिवेल्स इज दैट प्लूरल इफ्यूजन इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स बट इट एक्चुअली नॉट ट्रू प्ल्यूरल इफ्यूजन में एक्चुअली लंग्स की परत होती है जिसे हम प्लूरा कहते हैं लंग्स के बाहर जो परत है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल इफ्यूजन नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज What are the various causes of pleural effusion? Kin, -kin alag -alag karno ki se chest mein fluid hai. What are the various causes of pleural effusion? So, in two broad classifications, which I am dividing it is that it could be either infectious or inflammatory conditions or cancerous conditions, which is a broad heading under the exudative effusions. Then, on the other hand, there are transudative effusions. Transudative effusions, we are not going into the details, but it, has, it is because of systemic disorder. Okay, so what are the various systemic disorders? Examples are any liver disorder, for example, liver fibrosis or cirrhosis is there. Then chronic kidney disease, a chronic condition of kidneys which can lead to pleural effusion, then suppress ejection fraction of the heart, chronic heart failure or congestive heart failure that can cause pleural effusion. Then uh, apart from that, severe hypoproteinemia, severe anemia.

कॉजिज अंडर ईच कैटेगरी इन्फेक्शस फॉर एग्जाम्पल ट्यूबर क्लॉसिज इज़ वेरी कॉमन कॉज ट्यूबर क्लॉसेज की वजह से बहुत कॉमनली इस तरह का प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है और समथिंग एसोसिएटेड विद निमोनिया पैरानिमोनिक इफ्यूजनस एंड देन देर कुड भी फंगल निमोनियाज विच कैन भी रेयरली एसोसिएटेड प्लूरल इफ्यूजन वट आर द वेरियस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इफ्लेमेटरी मोस्ट कॉमन कॉज विच यू विल फाइंड इज ऑटो इम्यून कंडीशन लाइक रोमेटोड आर्थराइटिस इज देयर और एस एल ई सिस्टमिक ल्यूपर सेरदेमेटोसिसर ओके वेरियस ऑटो इम्यून कंडीशन कैन गिव राइज टू एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन देन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज मेलिग्नेंसी और कैंसर कैंसर कैन ऑल्सो गिव राइज टू एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजनस देन अदर रेयर कॉजेज कुड भी लाइक ट्रामेटिक प्लूरल इफ्यूजन इन विच देर कुड भी कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द प्लूरल कैविटी जहाँ पे ब्लड जमा हो सकता है प्लूरल कैविटी के अंदर विच इज टर्म्ड एज हीमोथोरैक्स उसको हीमोथोरैक्स कहते हैं

Under broad categories, we have divided what are the various causes for pleural effusion. That is, it could be exudative effusion, it could be transudative effusion, in which we have listed the further causes that is, infectious, inflammatory, or cancerous condition, or other miscellaneous conditions. And on the other hand, the transudative causes being any systemic disorder, chronic liver disease, chronic kidney disease, chronic heart condition like congestive heart failure.

पेशेंट एक्सपीरियंस करता है कि हमें बहुत ही टीयरिंग टाइप का विंसिंग टाइप का पेन होता है वाई डज दिस पेन हैपन बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इज अक्यूमलेन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द टू प्लूरल लेयर्स सो बिकॉज ऑफ द स्लाइट रबिंग और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टू प्लूरल लेयर्स दिस पेन अराइजेज एंड अ वेरी कॉमन कैरेक्टर विद दिस पेन इज़ वेन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज लेस देन द पेन इज मोर एंड एज द फ्लूइड इंक्रीजेज इन क्वान्टिटी द प्लूरल सर्फिसिज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन दैट सीनारियो द पेन माइड रिड्यूज इट इज़ अ वेरी क्लासिकल सिनेरियो कि पेशेंट कहता है कि शुरुआत में तो दर्द होता था लेकिन धीरे धीरे मेरा दर्द खत्म हो गया वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि दो प्लूरल लेयर जो कि आपस में रब कर रही थी जो इन्फ्लमेशन प्रोड्यूस कर रही थी वो फ्लूड भरने की वजह से दोनों लेयर सेपरेट हो गई और वो अब पेन कम हो जाता है पेशेंट्स को द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर और द सिमटम ऑफ प्लूरल इफ्यूजन इज चेस्ट हैवीनेस

सो दीज आर कॉमन सिम्टम्स विच आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन पर से दैन डिपेंडिंग अपॉन वट इज द कॉज ऑफ द प्ल्यल इफ्यूजन फॉर दर सिम्टम्स कैन बी देयर फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट ऑफ टिबर क्लॉसिस और निमोनिया दे माइट बी हैविंग असोसिएटेड सिम्टम्स लाइक फीवर इज देयर लॉस ऑफ वेट इज देयर लॉस ऑफ हेपेटाइट इज देयर एंड देन लाइक देर कुड भी असोसिएटेड लिम्फ नोट्स गांठें भी हो सकती हैं गले के अंदर या बॉडी के किसी और पार्ट के अंदर Uh, then if it is an autoimmune condition then associated symptoms associated with the autoimmune pathology could be there like joint pains could be there joint swelling is there joint stiffness is there or de joint deformity is there various histories which are pertaining to connective tissue disorder could be there we will discuss connective tissue disorder in some other video in detail okay and then history associated with malignancy could be there like same thing weight loss or there could be blood in the sputum okay hemoptysis could be there

which is the underlying disease. so in today's video, we have discussed what is pleural effusion, what are the various causes and the types of pleural effusion, and what are the various symptoms which are produced because of the pleural effusion. so this is all from my side for today's video. myself, dr. ankush, consultant pneumologist. thank you so much for watching the video. please like it, share it amongst your friends, those whosoever wants to have information about respiratory disorders. thank you so much for watching and please subscribe to the channel if you have not done till now.